सब सब आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी तबीयत एकदम सही नहीं है, मुझे इतना काम है। मेरा कल का ट्रेन है दिल्ली का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सामान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं पैकिंग करनी बाकी है। और एकदम हिम्मत नहीं हो रही है, बुखार आया था दोपहर में बहुत ज़्यादा, नहाई नहीं मैं, और सिर दर्द कर रहा है, कमज़ोरी लग रही है बहुत ज़्यादा, बॉडी ना पूरी पेन कर रही है, तो बहुत अजीब सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा हो रहा है ना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी मन कर रहा है सो ही रहा हूँ, लेकिन इतने सारे काम है कि सो रही हूँ ना तो उठ के बैठ जा रही हूँ। खराश है, खांसी आ रही है, पहले वाला हालत ना हो जाए डर लग रहा है इस देख के, और इतना सारा काम है, कल का टिकट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए फटाफट पैकिंग कर लेते हैं, ठीक है। गेट का जो काम कर रहे थे वो दारू पी लिए, उनको चढ़ गया है तो रो रहे हैं। आप दिखाते छोड़ के जाते तो पिया रो। देखा तो बहुत याद आ रहा मिस्त्री। कितना रोवत है, दारू पीने के बाद ये हाल होता है। आज ही के लिए रो रहे हैं।
आज ही के लिए रो रहे हैं। गजब है भैया। चलो भाई फटाफट तैयारी करो, एक वीडियो भी बनाना है, बहुत काम है, नहाना है, कल नहाए नहीं, पूजा नहीं की हूँ भारी, ऐसे पूजा करना है। यहाँ पे मैंने अभी खाया है दवाई, थोड़ा सा आराम है, और आज का दिन बहुत ज़्यादा वो बिजी। यहाँ पे देखिए मेरा बैग पड़ा हुआ है, एक बैग वहाँ पड़ा हुआ है, एक बैग खाने का यहाँ है, एक बैग मम्मी का है, और एक बैग उधर मेरा पड़ा है। इतना भारी है, कैसे उठेगा पता नहीं। मम्मी का आलू का पराठा बन रहा है, गुजिया बन रहा है, मम्मी के तो आइटम बन रहे हैं आइटम। अब मैं खिचड़ी खा के जा रही हूँ, खिचड़ी क्या करें। फिलहाल ट्रीटमेंट सही हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ठीक हो जाऊँगी, तो सब सही हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। 8 बजे की ट्रेन है, टाइम कितने हो रहे हैं, 7 बजने वाले हैं, तैयार होती हूँ, आपको मिलती हूँ तैयार होके। कुछ भी सूट नहीं किया, दिन में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेटी पड़ी थी, लेटी लेटी सारा काम कर रही थी, तो आपको मिलती हूँ मैं तैयार होके। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, और मैं भी ठीक हूँ। और खिड़की का नज़ारा लेते हुए, और ट्रेन हो गई है 2 घंटे 2.5 घंटे लेट, और रात में ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी, इतनी ज़्यादा रुक रही थी कि क्या बताएं। यहाँ पे देखिए गन्ने की खेती हुई है और गन्ना कट रहा है, ट्रेन भी जा रही है साथ में, तो 2.5 घंटे लेट है। आई थिंक हम लोग पहुँचेंगे 10 बजे, 10:30 बजे पहुँचेंगे, पहुँचते 12:00 हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अभी ब्रश मंजन कुछ भी नहीं किया है, बस मेकअप किया है। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते, सोए सोए चेहरा तो चमका ही सकते हैं, तो वही चमकाया। मम्मी को भी दिया, मैंने कहा ये लो पोछ लो। तो देखते हैं क्या होता है बिना ब्रश मंजन। पता ही है ट्रेन में ये होता है, कौन ट्रेन का चीज़ यूज़ करें। तो बागेश्वर धाम की याद आ रही है, कुछ ऐसा ही लुक था, लेकिन ऐसा लुक नहीं है यहाँ पे। मैं जींस पहनी हूँ ब्लैक कलर का, तो नीचे जींस। तो चलो चलती हूँ, फटाफट पहुँचे। और कनेक्शन लाइट भी नहीं आ रही है कि गर्म पानी करके पिया जाए। यहाँ पे मैं वो वाला ना
इलेक्ट्रिक वाला जो पानी गर्म करने वाला जग होता है वो लेके आई थी कि पानी गर्म करके पीऊँगी और मेरी दवा भी गर्म पानी से ही वो होता है, तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है मुझे। और तीसरा दिन है, मैं एक दवा खाई, एक खुराक दवा खाई थी, मम्मी लाई थी, बड़ा फ़ायदा किया, उसके बाद बुखार नहीं आया है तो सही लग रहा है। लेकिन यही है कि यहाँ ना इसमें लाइट नहीं आ रही है, घोड़ों में इतना कनेक्शन नहीं आ रही है। तो चलो मम्मी बैठी हुई है, मम्मी इस तरीके से बैठी हुई है, हाँ नहाने खाने के बाद एक खुराक बची है दवा, वही खा लेंगे, पूरा आराम हो जाएगा। बाकी बागेश्वर धाम बालाजी महाराज तो गई है, और आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना बिजी चल रहा है ठीक, और तबीयत भी नहीं सही थी, अब सही है तबीयत, पहुँच जाऊँगी तो आप लोग को, आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो भी देखने को मिलेंगे, और आप लोग के कमेंट के रिप्लाई भी मिलेंगे ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। अगर ब्रश मंजन कर ले हो तो नाश्ता कर कर। अरे यार नाश्ता के बाद छोड़ चाहिए, पी ले तो बनाए तो ही तो फिर सो। चाय चाय तो कहे तो कहता तू चाय। सामान को